आज का व्लॉग देखकर आपको इस बात का अंदाज़ा तो हो ही जाएगा कि चाहे दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं और कैसा ही कल्चर क्यों ना देख लें, लेकिन आप कभी अपने कल्चर को नहीं भूल सकते। और जब ऐसी आवाज़ कानों में पड़े और आपका दिल अपने मुल्क के लिए ज़ोर से थक 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 ना करे ना, तो भैया खून सफ़ेद हो रहा है आपका। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज सीन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, इस वजह से ना मैं आराम सुकून से ट्रेन स्टेशन पे पहुंच के टिकट लेने के बाद समझाता हूँ कि क्या सीन है। सीन ये है कि आज म्यूनिक सिटी में पाकिस्तानी जर्मन कल्चर नाइट टाइप का सीन है। मुझे लग रहा था कि यार ये वाला जो प्रोग्राम है वो संडे को है। अब सैटरडे को सुबह मैं बेड में लेटा हुआ, शारिक भाई की पोस्ट पड़ी कि यार आज ना ये सीन है। मैंने कहा शारिक भाई से, मैंने कहा कि यार ये सीन है, तो मेरे तो शाम शाम है, कोई अपॉइंटमेंट्स थी तो मुश्किल है मैं आ सकूँ ना। शारिक भाई कहते हैं अच्छा चलो देख लो, ठीक है। लेकिन उसके बाद खुद ना जो दिल मलामत नहीं करता कि यार जाना चाहिए, मैं पाकिस्तानी कल्चर में यहाँ पे बहुत कम गया हूँ इस तरह के इवेंट में, स्पेशली इस तरह के इवेंट आते भी बड़े कम हो। तो ख्याल है जब आते हैं ना तो अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए अपने लोगों को जानने के लिए। अच्छा, जिस तरह मैंने म्यूनिक जाना है ना, उनसे एक ही दिन में जाना है, एक ही दिन में वापस आना है, तो उसका फिट तरीका ये होगा कि मैं एक रीजन का टिकट पकड़ लूँ। जिस तरह म्यूनिक आपका आता है बायर्न रीजन, तो मैं यहाँ से डीबी से टिकट पकड़ूँगा बायर्न रीजन का। वो टिकट होता है 23 यूरो एक बंदे के लिए। अगर तो ग्रुप में जाओ तो वह काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। बैठ गए ट्रेन में और अब ये ट्रेन सीधा सीधा जाएगी। अगर तो शारिक भाई ये वाली वीडियो देख रहे हैं ना, तो शारिक भाई अगली दफ़ा से रिक्वेस्ट है कि यार तरस खाएं, कुछ डिस्काउंट दे दिया करें। ब्लॉगर बंदा हूँ, गरीब बंदा हूँ, कोई डिस्काउंट वाला कोई सीन ही नहीं रखा हुआ। शारिक भाई कहते हैं टिकट वापस ही नहीं होगा। मैंने कहा यार मतलब ज़बरदस्ती हुई ना यार ये तो। नहीं, बहुत अच्छे बंदे हैं, तो कह रहे थे मैं करवा देता हूँ, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। नाम तो सुना हो, देख चुके हैं 4-5 दफा। सही, आई गेस क्या होता है यार? यार मैंने पाकिस्तानी इवेंट है, अपने टाइम पे पहुंचने हैं भाई। अच्छा। जाम कल्चर नाइट पे रहे हैं और पहना हमने ये पेंट शर्ट हुआ है। अपने वक्त निकाला और थोड़ी देर में रंगारंग तकरीब का आगाज हो जाएगा। प्रोग्राम स्टार्ट है, बच्चे कुछ करने लगे हैं। शारिक भाई की तरफ से स्पेशल परमिशन ग्रांट होगी कि मैं इधर उधर मूव कर सकता हूँ, तो अच्छी वीडियो बनेगी उम्मीद है। आगे आगे देखिए होता है क्या। परमिशन तो लेनी चाहिए। को अनवर मकसूद के नाम से जाना जाता है। मैं इन शोरा का तारुफ कराने से पहले आपको ये बताता चलूं कि इन्होंने बड़ी बड़ी अदबी महफिलों और आला पाए के मुशायरों से निकलवाए जाने में बहुत नाम कमाया है। होश में ना आए डर के मारे पपीते, क्या बात है, क्या बात है।
checking out of the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa. इवेंट ऑर्गेनाइजर पकड़े हैं लेडीज़ वाली साइड से भी और बंदों वाली साइड से भी जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, तो आप बताएं कि किस तरह से आपको आइडिया आया इवेंट ऑर्गेनाइज कराने का। आइडिया एक तो यही था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को इकट्ठा करना था कि यहाँ पे ऐसे ओपन इवेंट्स होने चाहिए कि जिसमें आपको मतलब ओपन इन्विटेशन सबके लिए हो सिर्फ, और कुछ नहीं तो अगर आप अपने बच्चों को थोड़ा सा पाकिस्तान से पाकिस्तानी कल्चर से आप रोशनास कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे इवेंट्स में आएँ। मिसेस हुमा का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो इतने ज़्यादा हर इवेंट हमारी मदद करती है। उसके अलावा फिर इन्होंने बताया कि उसके आप बाद में बात कीजिएगा कि इन्होंने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अपनी ज़ुबान उर्दू के नाम से भी शुरू किए हैं। उसके अलावा हमारा एक ग्रुप जो जर्मनी में बड़ा फेमस है पाकिस्तानी डॉयचलैंड, उसके तीन एडमिन हैं, इनमें से एक एडमिन भी हैं। अच्छा माशाल्लाह, तो ये काफ़ी एक्टिव हैं और मेरी लगता है आधी पोस्ट आपको इम्प्रूव की हुई है। तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया आज भी खासतौर पर जो किया, एक्नॉलेज करने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। और इस तरह की प्लेटफॉर्म्स भी बहुत ज़रूरी है कि जिससे लोगों को पता चले, एक चीज़ करना और चीज़ होती है लोगों को अवेयरनेस होना, उनको पता चलना, वो भी बहुत ज़रूरी है। ये मोहम्मद सफदर साहब हैं और इन्होंने वॉलंटियर किया था यहाँ पे इस इवेंट के लिए, तो किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया आपने इतना बड़ा ये वाला इवेंट? फिलहाल तो अभी तक तो सही आ रहा निज़ाम, अल्लाह खैर ही करे। तो ये थी हमारी कल्चर नाइट कहानी, कैसी है आपकी कल्चर डे? हाँ, कल्चर आफ्टरनून कैसा था आपका? कल्चर आफ्टरनून माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा। अच्छा था, काफ़ी अर्से बाद मतलब पाकिस्तानी गैदरिंग देखी है। इतनी शैतानी शक्ल क्यों बनाई हुई है आपने? खुश हूँ मैं। ये खुशी ना आपकी। चलिए अब मेन चीज़ रहेगी हमारा खाना वाना। एक मिनट, मैं अभी नहीं स्टार्ट कर रहा। नहीं किया ना, टेंशन ना ले, अभी खुला नहीं है तो अंकल कहते ईजी हो गई। अरे सीनिया है, बिरयानी है साथ में, ये होगा, ये रहता है अपने हाथ से खाते हैं। यहाँ माँ तो है नहीं, अम्मी आई आई मिस यू अम्मी। आई मिस यू टू अम्मी, पर मैं रहूँगा नहीं। खैर हमें इजाज़त दें, आप भी खाना इंजॉय करें, हम भी खाना इंजॉय करें। आज के लिए साइनिंग आउट। एक नया स्टाइल नहीं आ गया मेरा, खुदा हाफिज़।